हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करेंगे पश्चिम बंगाल में हिमालय पर्वत श्रृंखला में बसे एक खूबसूरत शहर दार्जिलिंग को, जो अपने चाय के बागानों के लिए दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है, जिसे क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है, जहां दुनिया की बेहतरीन चाय का उत्पादन होता है। लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला ये शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और समृद्ध इतिहास के चलते एक बेहतरीन हिल स्टेशन है, जहां आने के बाद लोग अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा ठहराव महसूस करते हैं। दार्जिलिंग में देश और विदेश से टूरिस्ट यहां के विंटेज आर्किटेक्चर, दार्जिलिंग की मशहूर टॉय ट्रेन के अलावा रेंगिट रोपवे के साथ साथ 7400 फीट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा घूम रेलवे स्टेशन और टाइगर हिल ऑब्जर्वेटरी से मनमोहक सूर्य उदय का लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं एवरेस्ट म्यूजियम और तिस्ता रिवर राफ्टिंग भी दार्जिलिंग में एंजॉय करने के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। इसके अलावा दार्जिलिंग के माल रोड पर पारंपरिक कपड़ों से लेकर हैंडीक्राफ्ट की शॉपिंग के लिए काफी ऑप्शन अवेलेबल हैं। वैसे दार्जिलिंग में राजभवन, पीस पगोड़ा, जूलॉजिकल पार्क, बटासिया लूप, भानु भवन, सेंट एंड्रयू चर्च, रॉक गार्डन, गंगा माया पार्क, मिरिक लेक और लामा हाटा जैसे अद्भुत टूरिस्ट स्पॉट्स मौजूद हैं। अगर दार्जिलिंग के चाय के बागानों को एरियल व्यू यानी ऊपर से देखा जाए, तो यहाँ स्लोप में बने इन बागानों को देख के लगता है जैसे किसी ने इस जगह पर हरी चादर बिछा दी हो। वहीं 2 फीट नैरो गेज ट्रैक के चलते दार्जिलिंग रेलवे को टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया जा चुका है। वैसे दार्जिलिंग का मौसम भी पूरे साल काफी अच्छा रहता है, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। अब देखते हैं दार्जिलिंग से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातों को। तो इस शहर में लगभग 160,000 लोग रहते हैं, जिसमें हिंदी इंग्लिश के अलावा काफी लोग नेपाली भी बोलते हैं। और अगर आप भी दार्जिलिंग जाने का सोच रहे हैं, तो ये शहर बाय रोड, रेल और बागडोगरा एयरपोर्ट होने के कारण दूसरे शहरों से काफी अच्छे से जुड़ा है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आप भी अगर अपने पसंद की वीडियो चैनल पर देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।